बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां अमरावती में मामूली विवाद में 6 लोगों को कार से कुचलने का आरोप है। 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आप महाराष्ट्र के अमरावती से देख रहे हैं, जहां मामूली विवाद में 6 लोगों को कार से कुचलने का आरोप लगा है। 3 लोगों की इसमें जान चली गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। करने लगी। वक्त गुजरने के साथ वहां हंगामा तेज होता गया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद बैरिकेड पर कई पुलिस वाले चढ़ गए और फिर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खींचकर नीचे उतारना शुरू किया। बैरिकेड पर चढ़ी महिला प्रदर्शनकारियों को भी इसी तरह खींच कर नीचे उतारा गया। काफी देर तक सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच बवाल होता रहा। बाद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। और ये सारा बवाल संसद में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन से शुरू हुआ। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। इसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 3 दिन जमकर हंगामा हुआ। इसी वजह से पिछले 3 दिनों में दोनों सदनों से 141 सांसद निलंबित कर दिए गए और अब शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 2 और लोकसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। नाम है के थॉमस चादी कदम और सीपीएम के AMRF। इन दोनों को सदन में तख्तियां दिखाने और वेल में घुसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किया गया। इन दोनों सांसदों को मिलाकर इस शीतकालीन सत्र से विपक्ष के कुल 143 सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। विपक्षी सांसदों का निलंबन का ये मामला 13 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस रोज संसद की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी। अगले दिन 14 दिसंबर को इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए सदन में जोरदार हंगामा किया। उस दिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उनमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद थे। इसके बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा से 45 और राज्यसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, मतलब कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। अगले दिन 19 दिसंबर को इसी मुद्दे पर लोकसभा से 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए। इसके बाद 20 दिसंबर को 2 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए, मतलब कुल 143 सांसदों पर एक्शन लिया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से तमिलनाडु में हालात बेकाबू हो गए। दक्षिणी तमिलनाडु के 5 जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई। कई जिलों से बाढ़ का खौफ भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ का पानी सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस सड़क से गुजर रहे 7 बड़े बड़े ट्रक वहीं फंस गए। सड़क पर बहते पानी में फंसे सभी ट्रक आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दिए। बाढ़ का पानी ट्रकों के केबिन यानी ड्राइवर की सीट तक पहुंच गया था। NDRF के कुछ जवान वहां फंसे ट्रक ड्राइवरों के रेस्क्यू की कोशिश करते दिखे। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक ट्रक के पास एक ऑटो फंसा दिखाई दिया। बचाव टीम की नजर जैसे ही उस ऑटो की तरफ गई, एक बचाव कर्मी उसकी तरफ तेजी से दौड़ा। इस दौरान वहां मौजूद लोग ऑटो वाले को जोर जोर से आवाज देते सुनाई दिए। हालांकि बाद में ड्राइवर और बचाव कर्मी ने धक्के लगाकर उस ऑटो को सड़क के किनारे पहुंचाया।